Hey everyone, Assalamualaikum, welcome back to my new channel. This is Minsha Warsi. So, सबसे पहले तो thank you so much for 20k followers on Instagram. मतलब I'm so happy, I'm speechless, words नहीं मेरे पास thank you बोलने के लिए. और मैं उसको celebrate भी नहीं कर पाई और ना 10k को कर पाई. I don't know why, but इंशाल्लाह आप जल्दी से मेरे 50k कर दो एंड मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, हम करेंगे सेलिब्रेट. एंड या जल्दी से 50 कर दो. अब देखिए, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी से मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे भी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, अब आते हैं वीडियो पे. टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया हुआ है, दैट इज़ माई फर्स्ट Q&A एवर. मतलब मैंने Q&A वीडियो कभी भी नहीं बनाई है और आई एम सो एक्साइटेड टू मेक इट. मतलब मैं लोग ही देखी ना, तो मैं बस ये सोची थी यार कब मैं बनाऊंगी, बट फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं बनाने वाली हूँ Q&A. और क्या हो गया मुझे, हाँ सो मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे पोल डाला था और आज मेरे क्वेश्चन वाले, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे. लाइक बहुत सारे लोगों ने सेम भी पूछे थे, लाइक एज वाला बहुत सारे लोगों ने पूछा था. और वेयर डू यू लिव, 10K. सबसे बड़ा 10K, ये जो वीडियो है वो मैं 10K में बनाना चाहती थी जब मेरे 10K हुए थे, बट सम रीजंस मैं नहीं बना पाई. बट 20K हो गए, सबको 20K मान के चलो कि हाँ ये वीडियो फॉर 20K फॉलोअर्स. ओके, सो मैंने भी नोट डाउन कर लिया है कि बस मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि पहले कौन सा बोलूँगी या नेक्स्ट कौन सा बस. और हाँ, प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी गलत हो जाए नाम बोलने में थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मेरा फर्स्ट Q&A है. मतलब मैंने सोचा नहीं कैसे बनाना चाहिए, बट आई जस्ट स्टार्ट मेकिंग वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बोलेंगे सबसे बड़ी बात देखो, दिव्या सिंह ने पूछा है आपका बर्थडे कब होता है. और ये क्वेश्चन सिर्फ दिव्या सिंह ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है. मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन, मैंने अपने बायो में लिख रखा है विश मी नो माय डे फर्स्ट जैन, देन फिर भी पूछ रहे हो तो कोई बात नहीं. मेरा बर्थडे होता है 1st January. ओके, न्यू ईयर वाले दिन. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णवी पवार का, दैट इज़ आपका स्टैंडर्ड क्या है. सो ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बट इसके पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि डी बाबू का है, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी फॉर इट. एंड ये है क्वेश्चन, आर यू अ स्कूल गर्ल. सो ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा, आर यू अ स्कूल गर्ल और कॉलेज गर्ल. सो आई एम अ स्कूल गर्ल, यस आई एम अ स्कूल गर्ल. या और देन अब मैं बोलती हूँ वैष्णवी पावर का जो था आपका स्टैंडर्ड क्या है. सो मेरा 9th class है, हाँ 9th है. हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं कॉलेज पढ़ती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल. लगता है कॉलेज की हूँ मैं, नहीं लगता हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब क्या करूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, आई एम कॉलेज गर्ल, नॉट आई एम अ स्कूल गर्ल. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने, इतने सारे लोगों ने कहा ना, मैं इसको अलग अलग लिख रखा है. बहुत सारे लोगों ने, 3 लोगों का मैं नाम लिखा है, रिंकी, जैरी, दिशा और ज़ारा. बहुत सारे लोगों ने एज, सो एज है मेरी 13, बट अब मेरा बर्थडे आने वाला है सो 14 होने वाली है. इट्स 13 नाउ, 13 है. ये भी बहुत सारे लोगों का है, वेयर डू यू लिव. सो बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने टिकटॉक से फॉलो कर रखा है मुझे, उन लोगों को पता होगा दैट आई लिव इन बरेली, झुमका सिटी बरेली. है तनवीर का, और मतलब बहुत सारे लोगों का है ये भी. मैंने नाम सबका नहीं लिखा है, बट एक का जो मैं सबसे पहले लिखा था उसका नाम लिख दिया कि 10K फॉलोअर्स होने में क्या फीलिंग थी. सो 10K की फीलिंग स्पीचलेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बना रही हूँ ना, मतलब एक फील आती है के की, एक फील होती है के, चाहे वो 1K हो या फिर 10K हो या फिर 100 में लिख के आए के, बट के एक बात होती है उस के में. सो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आई थिंक सो बहुत अच्छी फीलिंग होती है. तो नेक्स्ट है तंजील क्वीन का, हु एडिट योर वीडियोज़. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 3-4 लोगों ने पूछा था, बहुत ज़्यादा नहीं 3-4 लोगों ने, बट एडिट कौन करता है. सो मैं अपनी स्लोमो वीडियोज़, मतलब स्लोमो ही एडिट करनी रहती है ना, सो वो एडिट मैं खुद ही करती हूँ, अपनी वीडियो मैं खुद ही एडिट करती हूँ स्लोमो. और अच्छी क्या आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में बताना. मैं इतना मैसी बोल रही हूँ ना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है, फिर मैं क्या बोल रही हूँ. आरोही का है, आर यू प्रमोटिंग योर रील्स या इट्स गेटिंग वायरल, प्लीज़ रिप्लाई. सो सबसे पहले तो आरोही, आई एम नॉट प्रमोटिंग माई रील्स. बहुत सारे लोग पूछते हैं, DM करके पूछ रहे थे आर यू प्रमोटिंग योर रील्स, बट नो आई एम नॉट प्रमोटिंग. मैं फेक फैन नहीं बढ़ा रही हूँ, ना मैं प्रमोट कर रही हूँ, इट जस्ट हाँ इट्स गेटिंग वायरल. या नेक्स्ट है वैन यू स्टार्ट योर इंस्टा अकाउंट, एलिस का है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. स्टार्ट मैंने किया था आई गेस जब टिकटॉक बैन हुई थी,
उसी दिन या उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने अपने इंस्टाग्राम ऑन किया था, आईडी बनाई थी, बट इसको रन बिल्कुल नहीं करी थी। बस महीने में एक पोस्ट या फिर ऐसा भी नहीं था, एक आध रील्स महीने बनाए थे, बट अब मैं डेली रन कर रही हूँ। 2 महीने से मैं डेली रन करने लगी हूँ, जब से मैंने नया फ़ोन लिया है अपना, तब से। सो हाँ, आईडी तो बहुत पुरानी है लेकिन रन अब कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिशा चवन, हु इंस्पायर्ड यू टू डू रील्स? सो ऐसा इंस्पिरेशन तो कोई नहीं है, बट जब टिकटॉक पे ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाती थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बनाते थे, इट्स मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी तब टिकटॉक। सो जब टिकटॉक बैन हो गई, सो ये नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है रील, तो वहाँ बनाती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ही बनाने स्टार्ट कर दिया। ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है जिसको देख के मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ओके, यह है बेब खुशी। बेब खुशी, आप कौन सा फिल्टर यूज़ करते हो? फिल्टर वो जो मेरी अभी मैंने बोला था 5 मिलियन 6 मिलियन वाली वीडियोस में, इतने सारे लोगों ने पूछा फिल्टर कौन सा फिल्टर। तो मैं बता देती हूँ, उस वीडियो में मैंने रिको होता है, मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूँगी इस साइड, रिको फिल्टर होता है और एक और फिल्टर, उसका नाम मुझे याद नहीं है, VC करके है, उसका भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। सो गाइज, ये दो फिल्टर मैं अपनी वीडियोज़ के लिए यूज़ करती हूँ मोस्ट, मतलब जरूरी नहीं कि वही करती हूँ, बट हाँ वो फिल्टर्स मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिशा ऑफिशियल का, आप कब इंस्टा पे लाइव आओगी? सो मैंने कोई सोच तो नहीं रखा है कि पर्टिकुलर कोई डे कि मैं कब लाइव आऊँगी, बट बहुत ही जल्दी मैं आऊँगी, और जब भी आऊँगी ना मैं स्टोरी लगा दूँगी। सो आप लोग आना, काफ़ी सारे लोग देखने लाइव ऑफकोर्स, क्योंकि मैं कभी भी इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं आई हूँ, ऑफकोर्स कभी नहीं आई हूँ। सो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। मिस्टर अल्फू आई गेस, सच्ची बताइए किसे फॉलोअर बढ़वाती हूँ, मतलब किसे फॉलोअर बढ़ाती हूँ? सो मैं किसी से भी फॉलोअर नहीं बढ़ाती, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि किसे फॉलोअर बढ़वाती हूँ, बट नो, कोई फॉलोअर नहीं बढ़ाया, मेहनत करनी चाहिए, सबके हो जाते हैं। अच्छी वीडियोज़ बनाओगे सो आप लोग के भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण मावी का, आप स्लोमो वीडियोज़ कैसे बनाती हो? विच वीडियो एडिटिंग ऐप यू यूजिंग? सो वीडियो एडिट करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ VN, एक ऐप होती है, एंड्रॉयड में भी होती है वो और iOS में भी होती है। सो मैं उसी ऐप से एडिट करती हूँ अपनी स्लोमो वीडियोज़। और अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैं अपनी वीडियोज़ कैसे एडिट करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अपनी वाली स्लोमो वीडियो बनाऊँ कि नहीं, हाउ आई एडिट माई स्लोमो वीडियोज़। ओके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे देन आई विल मेक इट, ज़रूर बताना कमेंट में, ज़रूर बताना, बिकॉज वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप देखते हैं जया ऑफिशियल का, फेवरेट वीडियोस ऑफ माइन, मतलब मेरी खुद की फेवरेट वीडियो है जो कि वाइट और ब्लैक टी शर्ट मैंने बनाई थी, सॉन्ग क्या था याद नहीं आ रहा है, जिसपे 5-6 मिलियन व्यूज़ हुए हैं, वो मेरी फेवरेट वीडियो है। उस पर थैंक यू सो मच उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, उस वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ हो गए, एंड उसके लिए थैंक यू सो मच, मतलब वो मेरी मोस्ट वायरल वीडियो है, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट है जैसिका मेहता का, योर स्नैपचैट आईडी, इट्स अ नाइस क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि स्नैपचैट आईडी क्या है, मतलब लोग DM में कहते हैं ना वैसे। सो मैं बहुत ही जल्दी अपनी स्नैपचैट आईडी बनाने वाली हूँ, एंड मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहूँगी, सो आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना, मेरी स्टोरीज़ वो सब देखना। ओके, सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है तृप्ति वर्मा का, दैट हाउ यू स्टार्टेड जर्नी एंड आई लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। सेम हेयर तृप्ति, जर्नी कैसे स्टार्ट किया? सो जर्नी तो पता ही होगा, क्योंकि मैं टिकटॉक से स्टार्ट किया था, टिकटॉक से लेके यहाँ से यहाँ थोड़ा बहुत, फिर जब टिकटॉक बैन हो गई सब डाउन हो गया, बट फिर मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करी थोड़ा थोड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह 20K फॉलोवर्स हैं, और आप लोग सपोर्ट करते रहो, जल्दी से 50K कर दो प्लीज़ मेरे बर्थडे के पहले। मैं चाहती हूँ कि मेरे 50K हो जाए, एंड मैं इसमें बड़ा सा गिव अवे करूँगी एंड बहुत अच्छा सा सेलिब्रेट करेंगे हम अपना 50K। सो या वैसे मेरे बर्थडे में 2 महीने हैं अभी, सो जल्दी से कर दो प्लीज़ जल्दी से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक का, सच अ पर्सन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर इन योर लाइफ। ऐसा कोई एक पर्सन तो नहीं है, बट ऑफकोर्स फैमिली, क्योंकि फैमिली इज हार्ट टचिंग, मतलब ऐसा कोई एक पर्सन तो नहीं है, वैसे इट्स फैमिली। सो ये है इन शैक्स वर्ल्ड, ये मेरा फैन पेज, थैंक यू सो मच, एक ग्रुप भी है उसके लिए, जो भी मेरे फैन पेज हैं उन सबको थैंक्स। यह है योर फेव प्लेस, ऐसे कोई फेव प्लेस, पर्टिकुलर फेव प्लेस तो नहीं है, बट अगर कहीं जाने का मौका मिला, कहीं जाने का मौका मिला तो मैं दुबई जाऊँगी, बिकॉज वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको मैंने व्लॉग देखा था, तो इट्स ब्यूटिफुल, एक नूर है उस जगह में, सो आई वॉन्ट टू गो दुबई। सो नेक्स्ट है ये तालिब खान का, तुम इतनी कम फॉलोइंग क्यों रखती हो? फॉलोइंग कम क्यों रखते हो?
क्या बोलूँ, हाँ क्योंकि मैंने इसलिए कम रखती हूँ क्योंकि मैं इसमें से उन्हीं को फॉलो कर रखा है जिनको मैं टिकटॉक से फॉलो करती आ रही है, लाइक अरिशवा, जन्नत, जुमाना, इन्हीं लोग को फॉलो कर रखा है जो अच्छी साउंड्स बनाते हैं, जिनसे मैं खुद साउंड ले सकती हूँ, हाँ कि इन्होंने अच्छी बनाई है और मैं भी वो बना लेती हूँ इसलिए, और अच्छी लगती है मुझे वो ऑनेस्टली, इसलिए मैंने उनको फॉलो कर रखा है। नेक्स्ट है योर फेव फोटो इन योर गैलरी, जोया का फेव फोटो जो मैंने अभी रिसेंट अपनी प्रोफाइल चेंज करी है वो वाली, जो अटैच कर दूँगी यहाँ पे फोटो, वो वाली फ़ोटो एंड जो मैंने बाहर जाके खींची थी एक, वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, जब भी मैंने पोस्ट करी थी शायद एक हफ्ते पहले वो वाली, दीज टू फोटोज़ आर माई फेव। नेक्स्ट है महरीन का फेव सॉन्ग, फेव सॉन्ग ऐसा कोई पर्टिकुलर फेव सॉन्ग नहीं है, बट जब भी मैं एयरफोन्स लगाती हूँ सुबह सुनती हूँ, गलतफहमी, साजना, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, जब भी मैं एयरफोन लगाती हूँ सुनती हूँ, और एक और है जो तू ना मिला, दो तो आसिम अज़हर की हो गए क्योंकि बहुत अच्छा गाते हैं वो, इसलिए ये दो, ये तीन सॉन्ग्स मैं फेव अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा एयरफोन्स में वो ज़रूर सुनती हूँ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशिश का या फेव फेस्टिवल, फेस्टिवल इसलिए है और इसलिए है बताते हूँ पहले किसलिए बता दें, मेरा फेव फेस्टिवल है ईद, क्योंकि क्योंकि रमज़ान के बाद 30 दिन जब रोज़े रखते हैं लाइक, उसके बाद इतना प्यारा, इतना बड़ा फेस्टिवल आता है जिसमें बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छे से आउटफिट, एंड पूरा दिन इतनी अच्छी अच्छी डिशेस खाते हैं, डेजर्ट्स खाते हैं, इसलिए माई फेव इज़ ईद। या नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ारा खान का आपका फेव कलर, माइन इज़ ब्लैक, आई रियली लाइक ब्लैक कलर, ब्लैक इज़ लाइक। सो इसी के साथ होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म, एंड आई होप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आंसर दिए हो, और थोड़ा बहुत बोलने में, नाम वगैरह में थोड़ी सी बहुत गलती हो गई, सो उसके लिए सॉरी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।